बहुत वायरल हो रहा है जिनकी ये रेडी है, कैसे देखते हैं आप इस आदेश को जो पुलिस ने निकाला? बहुत अच्छा है, बस सही है जी, इसमें कोई फर्क तो पड़ रहा नहीं। हमारे पास ग्राहक जैसे आ रहे थे इस तरह आ रहे हैं, ग्राहक जैसे आते थे वैसे ऐसे ही आ रहे हैं। हाँ, सब हिंदू भाई भी खरीद रहे हैं, मुसलमान भाई भी खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। अखिलेश यादव ओवैसी ये तो कह रहे हैं गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस हमारा साथ तो सही हो रहा है जी, हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। प्रोपराइटर शालम पान, नया फ्लैक्स ही लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई आया था या कैसे पता लगा कि ये आदेश है? प्रशासन का आदेश था कि ये लगाइए, कैसे क्या देखना, प्रशासन का ऑर्डर था, हमने कर दिया। फिलहाल तो यही है, हम लोगों के पालनहार तो गवर्नमेंट ही है और नेता लोग ही हैं, और कौन है। ठीक है, यहाँ तो सब भाई की तरह रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग भाई की तरह रहते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर, और आपको बता दें कि जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने कल आदेश जारी किया, उस आदेश का असर जो है वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें जो आदेश दिया गया कि जो भी यहाँ पर सामान, जो खाने वाला जो सामान है, वो बेचने वाले जो भी, चाहे फिर वो ढाबे हैं या फिर अगर बात की जाए रेडी वाले हैं, उनको कांवड़ रूट पर जो है अगर वो हैं तो उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं कल ही आदेश आया, और ये फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है जिनकी ये रेडी है, और कल ही इन्होंने टेम्प्रेरी यहाँ पर निसार फल नाम जो है वो यहाँ पर अपना लगा दिया है। आइए अब इनसे बात करेंगे इस बारे में। जी क्या निसार जी, पूरा क्या नाम हुआ आपका? निसार ही है, निसार अहमद। कब से लगा रहे हैं ये आप यहाँ रेडी, कब से लगा रहे हैं फल? लगा तो बहुत साल हो गए हैं मुझे, 8-10 साल ज़्यादा। हाँ ज़्यादा। तो पहले ये बताइए कब आपको पता लगा कि ऐसा आदेश आया मुजफ्फरनगर पुलिस का कि नाम लगाना है रेडी का? ये तो आपके हुआ है, आपके हुआ नहीं, पहले कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो कब पता लगा आपको इसके बारे में? ये 6-7 दिन पहले लगाया हमने। अच्छा, सब ने लगाया है, दुकानों पर भी लगे हुए हैं, सब पे बैनर, ठेले वालों पर भी लगे हैं, कोके पे लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो ये काशिफ कन्फेक्शनरी, ये भी नया है? ये भी नया है, 6-7 दिन पहले लगा सब, ये कोके वालों पे लगा है, हमारी ठेलियों पे सब पे लगे हुए हैं। अच्छा, जो खाने पीने वाले हैं सब पे लगे हुए हैं, कांवड़ रूट पर। जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शानूर। अच्छा जी, कैसे देखते हैं आप इस आदेश को जो पुलिस ने निकाला? बहुत अच्छा है, बस सही है जी, इसमें कोई फर्क तो पड़ रहा नहीं। हमारे पास ग्राहक जैसे आ रहे थे इस तरह आ रहे हैं, ग्राहक जैसे आते थे वैसे ऐसे ही आ रहे हैं। हाँ, सब हिंदू भाई भी खरीद रहे हैं, मुसलमान भाई भी खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। अखिलेश यादव ओवैसी ये तो कह रहे हैं गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस हमारा साथ तो सही हो रहा है जी, हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। एक सांसद हैं, वो तो मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिख दी उन्होंने कि मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ तो सही है जी। प्रशासन ने कहा बोर्ड लगाओ, प्रशासन ये बैनर लगाओ आप, हमने बना के लगा लिया बैनर। मैं खुद से, मैं देख रहा हूँ हाथ से लिखा हुआ है आपने? जी खुद से लगा के, 2 कील लगा। हाँ, खर्चा भी ना, और बैनर लगा लिया। हाँ जी, हमने बना के अपने नाम से बता रहे हैं आप? एक ही काशिफ कन्फेक्शनरी है, शालम पान बाहर हैं, और भी हैं ठेली वाले बाग के खड़े आगे हैं वो। हाँ, इनका परिचय लीजिए। और भी हैं बिल्कुल। अब जैसे आप देख सकते हैं काशिफ कन्फेक्शनरी जो इन्होंने बताया ये दुकान है, और देखते ही जो है पता लगा कि नया जो है यहाँ पर इन्होंने ये फ्लैक्स लगाई हुई है, नई फ्लैक्स जैसे इन्होंने बताया अभी कुछ टाइम पहले ही जो है ये फ्लैक्स जो है वो लगी है। तो बात करेंगे इनसे भी कि कब इनको पता लगा इस आदेश के बारे में। और उसके बाद जैसे देख रहा हूँ कि इस मीनाक्षी चौक के पास काफ़ी लोगों ने जो है नाम वो लगा रखा है। जी काशिफ जी, आपका नाम ही है? है नहीं, ये बाजार गए हुए। अच्छा, क्या लगते हैं आपके? हमें तो बैठा के चले गए, जो कह रहे बैठ जाओ थोड़ी देर, आ जाएंगे थोड़ी देर में आ जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम फुरकान है। फुरकान जी, ये अभी नया लगाया बोर्ड इन्होंने काशिफ कन्फेक्शनरी? मुझे नहीं पता ये इस बारे में, वही बतावेंगे आगे कौन सा लगा रखा बोर्ड। अच्छा, आप भी यहीं होते हैं? आपका क्या नाम है? साकिब। साकिब, तो यहीं क्या मदद करते हैं उनकी? नहीं, अपनी दुकान है। अपनी दुकान है। तो ये कब लगाई है फ्लैक्स? कब लगाई? ये 5-1 दिन हो गए। 5-6 दिन तो पहले कोई आया था बोलने कि ये अब जो है नाम लगाना है आपको दुकान का? प्रशासन ने कहा था हमारे से। अच्छा, हमने लगा दी, उसके बाद ये फ्लैक्स बनाई। अच्छा, और कुछ कहा गया नहीं? बस इसके बारे में कहा गया था, उसके बाद तुरंत आपने वो करके? जी, एक्चुअली मैं बता दूं आप लोगों को, जो ये आदेश आया है
पुलिस का। ये दरअसल केवल जो है वो रेडी वालों के लिए नहीं है, जो ढाबे वाले हैं उनके लिए भी है। जो भी खाने का सामान जो भी लोग बेचते हैं, वो खाने का सामान जिस भी दुकान पर मिलता है, और अगर वो कांवड़ रूट पर है, ख़ास तौर पर मुजफ्फरनगर में, तो उनको जो है वो नाम लगाना ज़रूरी है, वो कंपलसरी है। क्योंकि आपको बता दें, मुजफ्फरनगर का जो है 240 किलोमीटर का ऐसा जो है वो एरिया है जो यहाँ पर इस कांवड़ रूट पर आता है। अब जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जे प्रोपराइटर शालम पान, जो इन्होंने नया फ्लैक्स ही लग रहा है, बात करेंगे इनसे कि कब इन्होंने लगाया, कब इनको पता लगा। जी सर, आप ही का है ये दुकान? आप ही की है? जी हाँ। अच्छा, कब से लगा रहे हैं दुकान यहाँ पर? 34 साल हो गए जी भाई साहब। 34 साल हो गए, और अब पहली बार ये बैनर लगाया आपने? हाँ जी, पहली बार ही लगाया बैनर। तो कितने दिन हो गए सर? सर 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई आया था, या कैसे पता लगा कि ये आदेश है? प्रशासन का आदेश था कि ये लगाइए, फ्लेक्सी लगा के इसे फ्रंट पर रखिए। तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? कैसे क्या देखना भाई, प्रशासन का ऑर्डर था, हमने कर दिया, फिलहाल तो ये है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मीनाक्षी चौक के आसपास काफी लोगों ने जो है यहाँ पर नाम, तो प्रशासनिक ऑर्डर है तो इसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से थोड़ा ही करेंगे। वैसे ठीक है, गलत है? देखो ये तो इसका रिजल्ट आगे पता लगेगा, 10-20 दिन के बाद क्या होता है क्या नहीं। अभी कैसे चल रहा है काम? वह अभी तो फिलहाल ठीक है, अभी तो ठीक है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं वो तो इस पर पूरी राजनीति गरमा रहे हैं, ओवैसी, अखिलेश यादव सब। देखो वो तो राजनीतिक दल हैं, वो तो कुछ ना कुछ कहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए करते ही हैं, उनसे तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। और उसके अलावा एक सांसद तो हैं, वो तो मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ये सब नहीं होना। जिसके नज़दीक जो बेहतर लगता है वो ही करता है, समझ गए। और हम लोगों के पालनहार तो गवर्नमेंट ही है, और नेता लोग ही हैं, और कौन है, हम तो इन्हीं के पीछे चलते हैं। वो उनकी अपनी राजनीति? हाँ जी, बस वो उनकी अपनी राजनीति है। इन्होंने भी नया लगाया ये? अच्छा, आप ही का है? जी, ये पहला ही लगा हुआ है। ये पहले का लगा, ये इसके आगे अभी लगाया जी। आइए देखते हैं, और भी लोगों के जैसे बता रहे हैं कि नया जो है उन्होंने यहाँ पर नाम लगा रखा है। और ये दरअसल मीनाक्षी चौक है, आगे आप देखेंगे मुजफ्फरनगर का बेहद जो है फेमस चौक है। और ये कांवड़ रूट की अगर बात की जाए तो सबसे व्यस्त जो मार्ग हैं कांवड़ रूट के, उनमें से एक है। क्योंकि जो जल लेकर के आते हैं, गंगा जल जो लेकर के आते हैं हरिद्वार से, वो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से, ये जो है मेरठ रोड जो है ये कहलाया जाता है। यानी कि जो है मेरठ को जो है ये रास्ता जाता है, और यहाँ पर जो है लोग इसी रूट से जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने लगा रखा है, ये भी नई फ्लैक्स है, प्रोपराइटर अनीस अहमद, बात करेंगे इनसे भी। जी सर, आप ही की दुकान है? जी हाँ सर। अच्छा, आप ही हैं अनीस अहमद? जी जी, मेरा नाम अनीस अहमद। ये कब लगाई आपने फ्लैक्स? कब लगाई? कल ही लगाई जी। कल ही लगाई है? कब आदेश, कब पता लगा आपको? परसों कहा उन्होंने, तो हमने बनवाने गए, वहाँ पे मंगल था, बनी नहीं पाई। अच्छा। कल सुबह ही बन गई, जब ही लिया। कल सुबह ही बन गई। कब से है दुकान? कब से? दुकान तो मेरी 1972 से है सर। 1972 से है, यानी कि 52 साल हो। 52 साल हो गए। 52 साल में अब ये पहली बार ऐसा आदेश देखो? हाँ, वैसे तो नाम तो लिखा हुआ रहता है, ऊपर भी लिखा हुआ रहता है बोर्ड के ऊपर, लेकिन ये कि भाई बड़ा बड़ा लिख के लगाओ, आगे लगाइए, तो पहले कहा है। कैसे देखते हैं प्रशासन के इस फैसले को? जैसे उनकी मर्जी। मतलब कुछ काम ठीक चल रहा है? कुछ नहीं ठीक है, यहाँ तो सब एक भाई की तरह रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग भाई की तरह रहते हैं। कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ नेता लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं? बस जी, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, क्या कह सकते हैं, क्या अपना उनका अपना हिसाब है जी, हम इतनी उसमें नहीं है। अपने काम में जी हम तो। हाँ जी।